Hi learners, this is Alicia Mahajan from Money Academy. Hope you are doing well. In this lecture video, we'll be covering हमारा जो modern method है, जिसको हम क्या बोलते हैं, net present value method भी बोलते हैं. So ये जो discount वाला method हमने करा था ना पहले, उसी से देखते हैं कि net present value कैसे निकालते हैं. देखो क्या गिवन होता है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं. तो उसके बाद मैं आपको सब समझाऊंगी कि कैसे इसको करना है. तो कैश इनफ्लोज गिवन होते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू में भी, पीवी फैक्टर होता है, बस इसको ना मल्टीप्लाई करके जो ये होता है ना, यहाँ तक ये हमने निकालना होता है. ठीक है, हमारे पांच से वाले मेथड में, हमारे नेट प्रेजेंट वैल्यू में इतना कर लिया. इसको लास्ट वाले को डिलीट कर दो. फिर हमने इसका जो टोटल होता है ना, टोटल ऑब्वियसली इसका आना तो यही है, लेकिन इस तरीके से लेते हैं. यहाँ पर ले लेते हैं टोटल 730600, और जितने की इन्वेस्टमेंट थी ना, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी थी ना, उसको यहाँ से माइनस कर देते हैं. फिर जितनी अमाउंट यहाँ पर बचती है वो होती है हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू. सो डिस्काउंटेड मेथड और नेट प्रेजेंट वैल्यू में हमारा ये फर्क होता है. सो पहला मेथड था ये हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू का. So, अब हम चलते हैं इसका एक बार मतलब समझा देती हूँ आपको, नेट प्रेजेंट वैल्यू और ये मेथड्स होते क्या है. सो बेसिकली हमारे जो टाइम एडजस्टेड टेक्निक्स होती हैं, वो हमें ये बताती हैं, क्या बताती हैं हमें, हमने ना टाइम को कंसीडर करना है. क्यों? आज जो हमें पैसे मिल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी पॉकेट में 10 रुपए है, कल उसकी वैल्यू बच्चों कितनी होगी, 1 रुपया हो जाएगी. ठीक है, कम हो जाएगी ना उसकी वैल्यू. सो इस वजह से ये कहना चाहते हैं कि आज का जो रुपी रिसीव करते हैं वो फ्यूचर में उतना नहीं होगा. सो आज हमारे पैसे की क्या वैल्यू है वो बताते हैं आपको. इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में डिस्कस करते हैं. सो जिसमें हमने फर्स्ट मेथड मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, अब हम करते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. सबसे पहले एडवांटेज क्या है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को रिकॉग्नाइज करता है, एंड द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो दैट इट इज द बेस्ट मेथड. ठीक है, बेस्ट मेथड है ये. और क्यों बेस्ट मेथड है, एक मैं उसके ऊपर भी ना एक वीडियो बनाऊंगी, और सो दैट आपको वो क्लियर हो जाए. या सो ये हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है. दूसरा एट्रीब्यूट क्या है, यहां पर हमें बेनिफिट भी पता लग जाता है, किससे हमें बेनिफिट हो रहा है ओवर द लाइफ पीरियड, लाइफ टाइम तक की बात करते हैं. क्योंकि जो हमारे पहले वाले मेथड थे, पेबैक की बात करो, तो वहीं तक ही थे ना कि इतने सालों में हमें अमाउंट मिल गया, दैट्स इट. ये हमारा लाइफ पीरियड तक, लाइफ टाइम तक सब चीजों को लेता है, इसका बेनिफिट है. ठीक है, अगर ये कब यूजफुल है, जब हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है. IRR मेथड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पर निकालने लगोगे ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत टाइम लगेगा. सो IRR से इसका एडवांटेज यहाँ पर भी हो जाता है, क्योंकि वहां पर हर एक रेट को शुरू से हमने निकालना होता है, कोई पिछला बेस ही नहीं होता. यहाँ पर आपको रेट तो गिवन होता ना. सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट में बाजी मार लेता है हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड. ठीक है, सो शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करता है, ये भी बेनिफिट ये पूरा करने की कोशिश करता है. उसके बाद आते हैं हमारे पास डीमेरिट्स. डीमेरिट्स क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू यूज विद प्लेनी पे बैक. सो कहते अगर हम पे बैक मेथड से कंपेयर करें ना, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड है. तो पेपर में पे बैक मेथड के वो आए हुए हैं, फीचर्स आए हुए हैं, ऑप्शन आए हुए हैं. उसमें पूछा गया था कि बताओ कौन सा इसका हमारे पास इसका एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है उससे रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए. ऑप्शन से रिलेटेड उन्होंने वहां पर लिख दिया था ये डिफिकल्ट मेथड है, तो वो गलत हो जाएगा. हाँ, अगर आप एनपीवी बोले, आईआरआर बोले, तो ये हम अजम्पशन में लिखेंगे कि दैट इज अ डिफिकल्ट मेथड, डिफिकल्ट टू कैलकुलेट. लेकिन अगर कोई पे बैक बोल दे डिफिकल्ट है, तो ये गलत हो जाता. ठीक है, तो कहते डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालना, क्योंकि वैसे ऐसा तो बेस्ट मेथड है, तो हम इसके कोई डिसएडवांटेज तो निकालेंगे नहीं, बट इतना तो हमें लिखना ही पड़ेगा ना कि हाँ ये डिफिकल्ट टू कैलकुलेट है. ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है. सो इस वजह से हमने इतनी बात इसकी करनी है. इट इज एन एब्सोल्यूट मीन. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर क्या देखा जाता है, जिसकी हायर एनपीवी होती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है, हम उसको देखते हैं. बट इट इज लाइकली दैट दिस प्रोजेक्ट में ऑल्सो इन्वॉल्व लार्जर इनिशियल आउटले. सो ये भी तो हो सकता है ना, उसकी हायर एनपीवी इसलिए है क्योंकि उसने इन्वेस्ट ही ज्यादा करा है. तो ये चीज ना इसके ऊपर भी
नहीं रिलाई करती। सो ये जो गलती है ना वो सारे के सारे मेथड्स में है, ये ध्यान रखना। सो बेसिकली ये प्रोजेक्ट भी कब यूजफुल है, जब हमारे पास शॉर्टर इकोनॉमिक लाइफ है, ठीक है। लेकिन अगर हम लार्जर लॉन्गर पीरियड की बात करें तब ये सक्सेसफुल नहीं होता है। इसको पढ़ते हैं, द प्रेजेंट वैल्यू मेथड मे बी गिव सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट इन केस ऑफ टू प्रोजेक्ट्स हैविंग डिफरेंट इफेक्टिव लाइफ। दो प्रोजेक्ट्स है उसकी डिफरेंट डिफरेंट इफेक्टिव लाइफ है। दिस प्रोजेक्ट विद अ शॉर्टर इकोनॉमिक लाइफ इज प्रेफरेबल, लेकिन कब किया जाता है, जब शॉर्टर लाइफ पीरियड हो, ठीक है। तब हम कौन सा ले लेते हैं, जिसका हायर इकोनॉमिक वैल्यू होगी, ज्यादा वैल्यू होगी, उसको हम ले लेंगे। लेकिन कहते हैं जब हमारा लॉन्गर पीरियड हो जाता है उसमें ये डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि लॉन्गर टाइम पर हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे हो जाते हैं। सो ये भी इसमें दिक्कत आ जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे IRR मेथड। IRR में आपने क्या बात करना है, ये बेसिकली डिस्काउंट रेट को इक्वेट करता है फ्यूचर कैश फ्लो से। मतलब ये बेसिकली क्या देखता है, इसमें वो ये बोलता है कि कितना रेट ऑफ डिस्काउंट जो है, ध्यान से सुने, इट इज दैट रेट ऑफ डिस्काउंट विच विल कॉज नेट प्रेजेंट वैल्यू टू बी जीरो। मतलब इनको एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए। जब हमने एनपीवी निकाला था तो उसमें जो हमारा इनफ्लोस का टोटल आया था, आउटले को माइनस करा था तो आया था ना पॉजिटिव टर्म, ये उसको नहीं कंसीडर करते। वो कहते हैं हम कितना पैसा लगाए कि हमें अपने जो पैसे लगाए हुए ना वही पूरे हो जाए, तो ये बेसिकली उसका डिफरेंस नहीं बचने देना चाहते। उनके अकॉर्डिंग जो इसका डिफरेंस होगा वो क्या होगा, जीरो। इट मींस इनफ्लो भी हमारा उतना हो, आउटफ्लो भी उस टाइम पीरियड तक उतना हो। बेसिकली हम इनफ्लो इतना कम लगाए कि हमारा आउटफ्लो उस तरीके तक आ जाए और हम अपनी जरूरतों को पूरा कर ले, ये इसका मतलब है। सो कितना मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि हम पे करें ताकि लॉस ना हो, ठीक है, हमें लॉस ऑफ प्रोजेक्ट ना हो। इसको कैलकुलेट करने के, वो तो एनपीवी तो मैंने आपको करवा दिया था, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए ध्यान से। ये देखो तीन साल के इनफ्लोस दिए हुए हैं, पीवी फैक्टर यहाँ पर हमने अज्यूम करा कि 16%, लेकिन पेपर में 16 इस तरीके से नहीं, स्टार्टिंग से हमारा ये हो सकता है हमें पहले 12% लगाना पड़े, 10% लगाना पड़े, फिर जाकर 16 पर आए। इसे मल्टीप्लाई करा तो हमारा ये वैल्यू आ गई, फिर आगे 18 से मल्टीप्लाई किया ये उससे कम आ गई। तो जो छोटा वाला रेट होता है उसको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। फिर इसकी जो वैल्यू होती है उसको कैसे माइनस करते हैं, जो बाकी सारा सिस्टम है ये वही है, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं 18 और 16 का, फिर वो उससे हमारी ये कैलकुलेशन IRR की पॉसिबल होती है। इस चीज को ध्यान रखें, IRR कैसे निकालते हैं हम बेसिकली, क्योंकि पेपर में आपको पूछा नहीं जाएगा दिखता कैसे है, ये बताने के लिए आपको ये करवा रही हूँ। सो IRR मेथड का क्या है, ये थेरेटिकली तो करेक्ट है, लेकिन इसका ये डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि एनपीवी में स्टिल हमें पता होता था कि कितना रेट ऑफ रिटर्न हमें, हमने कौन सा रेट लगाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो पता ही नहीं है कुछ भी, कितना टाइम वैल्यू ऑफ मनी को तो चलो दोनों कंसीडर करते हैं, ये तो है ही, ईजियर टू अंडरस्टैंड कहने को ही है, लेकिन डिफिकल्टी आती है इसको करने में, ठीक है। उसके अलावा ये प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान देते हैं, यहाँ पर भी कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाद में आता है, ये रेट ऑफ रिटर्न वो बताते हैं जिसमें हमें प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स मिलते हैं। शेयर होल्डर्स वेल्थ को ये भी कंसीडर करते हैं। सो दोनों में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट हो तो हमारा एनपीवी बेटर है, एनपीवी में पहले ही रेट ऑफ रिटर्न पता होता है इसीलिए वो बेटर है। तो इन दो चार कारणों से हमारा जो एनपीवी है वो बेस्ट मेथड हो जाता है। इसकी टेडियस कैलकुलेशन है, मल्टीपल रेट्स लगाने पड़ते हैं इसीलिए डिफिकल्ट है। ये देखो आ गया ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट होंगे तो ये वाला जो हमारा मेथड है वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ये क्या कहते हैं, इट इज अज्यूम दैट ऑल इंटरमीडिएट कैश, जो हमें कैश मिलता है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स्ट्रा कैश मिल भी रहा है हमने वहां पर जीरो करना ना, जीरो करने का मतलब है जो आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है ना उसे आप री इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन आपका कितना इंटरेस्ट आएगा, कितना कैश फ्लो आएगा, कितना आप री इन्वेस्ट करेंगे, दिस इज ऑल्सो डिफिकल्ट टास्क ना।
और बेसिकली जो हमारा पोर्शन होता है इनफ्लोस का, उसमें डिविडेंड भी आता है, कुछ एसेट्स भी होते हैं, तो किसका आप कैसे यूटिलाइज करेंगे। सो एक तरीके की रॉन्ग पिक्चर हो जाती है कि री इन्वेस्ट कर दो, हर चीज को री इन्वेस्ट नहीं किया जाता। सो आरआर का ये भी एक डिफिकल्टी वाला पॉइंट हो जाता है। अब हम कर लेते हैं इसका कंपेरिजन एक बार, ताकि आपको पता लग जाए विच मेथड इज बेस्ट। कहते चाहे दोनों की अजम्पशन क्या है, अब देखिए दोनों का क्या है, तो बोथ मेथड्स प्रोसीड ऑन द प्री अजम्पशन दैट कैश फ्लो इनफ्लोस कैन बी रीइन्वेस्टेड। और तो हमारा एनपीवी के अंदर जो हम रीइन्वेस्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं कट ऑफ रेट, हर्डल रेट बोल सकते हैं, और आईआरआर के अंदर जो हम रीइन्वेस्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आईआरआर को खुद ही वही नाम उसका है, मतलब इस जो हमारा मेथड का नाम ही है वो रेट, और नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो रेट है उसे बोलते हैं कट ऑफ रेट। नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या रखा जाता है, इंटरेस्ट रेट को का जो फैक्टर होता है वो नोन होता है, पता ना, पहले से पता होता है 10% पे करना है काम, 12% पे करना है, किस पे करना है, लेकिन आईआरआर में अननोन फैक्टर होता है, ये भी एक डिफिकल्टी है। नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम क्या अटेम्प्ट करते हैं, फाइंड आउट अमाउंट कि कितनी इन्वेस्ट करे सो दैट हमें सफिशियंट इंटरेस्ट मिलता जाए, सफिशियंट अमाउंट मिलती जाए। लेकिन आईआरआर में हम क्या देखते हैं, रिटर्न फाइंड आउट करते हैं। इसमें हम अमाउंट देखते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं, इसमें हम रेट निकालने की कोशिश करते हैं, तभी तो डिफरेंट डिफरेंट रेट्स लगाकर देखते हैं ना। एक बार स्थिर मेथड को देखें, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड अटेम्प्ट्स टू फाइंड आउट द अमाउंट दैट कैन बी इन्वेस्टेड इन अ प्रोजेक्ट सो दैट इट्स एंटीसिपेटेड अर्निंग विल बी एग्जैक्टली सफिशियंट, कि जो हमारी अर्निंग्स हो वो एटलीस्ट इतनी सफिशियंट हो कि हमारा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करने में वो हेल्पफुल हो। लेकिन जो आईआरआर है वो ये कहता है कि कितना मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमें करना पड़ेगा ताकि हमें कैश इनफ्लोज आते रहे, ठीक है। सो वो इंटरेस्ट पर बात करता है, वो अमाउंट पर बात करता है। अब हम बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये भी टाइम एडजस्टेड टेक्निक है, इसको हम बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी बोलते हैं, डिजायरेबिलिटी फंड भी बोलते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर हमारा क्या है, प्रॉफिट्स पर ध्यान दिया जाता है, ये रुपी में भी हो जाता है, परसेंटेज में भी हो जाता है। उस फॉर्मूला याद करना है, इसमें आपको ऊपर इनफ्लोस नीचे आउटफ्लोस, इनफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो, ये ग्रॉस में भी हो सकता है, नेट में भी हो सकता है, ग्रॉस भी हो सकता है, नेट में भी हो सकता है, ये याद रखना आपको। इससे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल करेंगे, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर करेंगे जिसमें उसकी थ्योरीज भी करेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस सेशन, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।